परिमेय संख्याओं के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। पहला, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। एक बार पुनः संक्षेप में संख्याओं के गुणधर्म पर चर्चा करें। शुरुआत संवृत्तता क्लोजर से करते हैं। दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए जो चर्चा के लिए आवश्यक है। इस तालिका में संबंधित उदाहरण भी दें। तालिका का शीर्षक है संख्याएं, संक्रियाएं, योग, व्यवकलन, गुणन, भाग। पूर्ण संख्याएं, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं ए और बी के लिए ए धन बी पूर्ण संख्या है, इसलिए पूर्ण संख्याएं योग के सापेक्ष संवृत रहती हैं। उदाहरण दें, पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के सापेक्ष संवृत नहीं हैं, क्योंकि 5 ऋण 7 = ऋण 2 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्याएं गुणन के सापेक्ष संवृत रहती हैं। उदाहरण दें, पूर्ण संख्याएं भाग के सापेक्ष संवृत नहीं हैं, क्योंकि 5 भाग 8 = 5/8 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्णांक ऋण 6 धन 4 = ऋण 2 एक पूर्णांक है। पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत है। उदाहरण दें, पूर्णांक के सापेक्ष व्यवकलन संवृत रहती हैं, क्योंकि किन्हीं ए और बी दो पूर्णांकों के लिए ए ऋण बी पूर्णांक है। उदाहरण दें, 5 × 9 = 45 ऋण 5 × 9 = ऋण 45 और ऋण 5 × ऋण 9 = 45 सभी पूर्णांक हैं। व्यापक रूप से किन्हीं दो पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए गुणित बी एक पूर्णांक है। उदाहरण दें, पूर्णांक के सापेक्ष भाग संवृत नहीं है, क्योंकि। उदाहरण दें, दूसरा, परिमेय संख्याएं संवृत गुणधर्म क्लोजर प्रॉपर्टी। ए, योग। मान लीजिए दो परिमेय संख्याएं 2/7 / 5/8 हैं। 2/7 / 5/8 = 16 / 35/56 बराबर 51/56। आप देखेंगे परिणाम 51/56 पुनः परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इस गुणधर्म को कुछ और संख्याओं के साथ भी जांचिए। 3 धन 5/7 0 धन 1/2 7/2 / 2/7 हम देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या है। यदि ए बी परिमेय संख्या है तो ए धन बी भी एक परिमेय संख्या होगी। अतः योग के सापेक्ष परिमेय संख्याएं संवृत रहती हैं। बी, व्यवकलन। मान लीजिए दो परिमेय संख्याएं 5/9 और 3/4 हैं, तो 5/9 ( 3/4 = 5×4 / 3×9 / 9×4 आप लिख सकते हैं 20 ( 27/36। इसे हम लिख सकते हैं 7/36। 7/36 एक परिमेय संख्या है। कोष्टक में Q
क्योंकि ऋण 7 36 पूर्णांक है और 36 शून्येतर है, अतः ऋण 7 बटे 36 भी एक परिमेय संख्या है। इसकी जांच दी गई परिमेय संख्याओं के संदर्भ में भी कीजिए। पहला 2/3 ऋण 3/7 बराबर 14 ऋण 9/21। क्या ये एक परिमेय संख्या है? दूसरा 48/9 ऋण 11/18 बराबर, क्या ये भी एक परिमेय संख्या है? हमने पाया कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के लिए उनका अंतर भी परिमेय संख्या है, अतः व्यवकलन के सापेक्ष परिमेय संख्याएं संवृत रहती हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं ए और बी के लिए ए ऋण बी भी परिमेय संख्या होगी। सी गुणन। पहला 3 × 1/2 बराबर 3/2। दूसरा 6/5 गुणित ऋण 11/2 बराबर ऋण 66/10 बराबर ऋण 33/5। तीसरा 3/7 गुणित 5/2 बराबर, क्या आप कह सकते हैं कि यह भी एक परिमेय संख्या होगी? इसी प्रकार चौथा 2/1 गुणित 19/13 बराबर, क्या यह भी एक परिमेय संख्या होगी? सभी उदाहरणों में हम देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होती है। कुछ और परिमेय संख्याओं के युग्मों का गुणा कीजिए, जांच कीजिए कि गुणनफल परिमेय संख्या है या नहीं। क्या आप ऐसे परिमेय संख्या बता सकते हैं जिसका गुणनफल एक परिमेय संख्या नहीं है? अतः हमें पता चलता है कि गुणा के सापेक्ष परिमेय संख्याएँ संवृत हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं ए और बी के लिए ए गुणित बी भी एक परिमेय संख्या होगी। डी भाग। दो परिमेय संख्याएं लीजिए 2/3 और 7/8। तो 2/3 भागित 7/8 बराबर 2/3 गुणित 8/7 बराबर 16/21 जो एक परिमेय संख्या है। इसे कुछ उदाहरणों से जांचिए। पहला 5/7 भागित 2 बराबर 5/7 भागित 2/1 बराबर 5/7 गुणित 1/2 बराबर 5/2।
14। दूसरा, ऋण 2/3 भागित 6/11 बराबर, जांचिए और पता कीजिए कि क्या ऋण 2/3 भागित 6/11 भी एक परिमेय संख्या है। तीसरा, तीन भागित 17/13 बराबर 3/1 भागित 17/13, जांचिए कि क्या ये भी परिमेय संख्या है। ऊपर के सभी उदाहरणों में हम देखते हैं कि जब हम दो परिमेय संख्याओं का भाग करते हैं तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब क्या हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के भाग के लिए संवृत गुण सही है? आइए इनकी जांच करें। 0, 5 परिमेय संख्याएं हैं और 5/0 अपरिभाषित है, अतः परिमेय संख्याओं का समूह Q भाग के सापेक्ष संवृत नहीं है। यदि Q में से हम 0 निकाल दें तो यह समूह भाग के सापेक्ष संवृत हो जाएगा। करके देखें, यदि हम पूर्णांकों के समूह से 0 निकाल दें तो क्या यह भाग के सापेक्ष संवृत है? इसी तरह पूर्ण संख्याओं के समूह के लिए भी जांच कीजिए। तालिका के खाली स्थानों को भरिए। तालिका का शीर्षक है संख्याएं अंतर्गत संवृत हैं, योग, व्यवकलन, गुणन, भाग। प्राकृत संख्या योग के लिए संवृत है, अतः यहाँ हमने लिखा है हाँ। इसी प्रकार पूर्ण संख्याएं भाग के लिए संवृत नहीं हैं, यहाँ लिखा है नहीं। इसी तरह पूर्णांक संख्याएं व्यवकलन के लिए संवृत है, इसलिए यहाँ लिखा है हाँ। इसी तरह परिमेय संख्याएं गुणन के लिए संवृत हैं, इसलिए यहाँ लिखा है हाँ। इसी प्रकार अपने साथियों की मदद से आप दिए गए खाली स्थानों को भरिए।